भोजपुर की अमित की हत्या के बाद मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया। आरा से संदेश थाना स्थित नसरतपुर गांव में जैसे ही अमित का शव पहुंचा, परिजनों के साथ साथ मित्रों तथा रिश्तेदारों का भी चीत्कार गूंज उठा। शव वाहन के आते ही चारों तरफ आंसुओं के घेरे में शव को उतारा गया। सभी के मन में बस एक ही बात उठ रहा था कि आखिर क्यों किसी ने इतनी बड़ी घटना का अंजाम दे दिया। कुछ दिन पहले ही कुछ लड़कों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें लड़कों द्वारा देख लेने की बात कही गई थी और घटना घट गई। हालांकि कई बिंदुओं पर पुलिस गहन अनुसंधान करने की बातें कह रही है, लेकिन अमित अब लौट कर वापस घर नहीं आ सकता। भोजपुर जिले में हत्याओं का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां बीती रात फिर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बदमाशों ने युवक के सिर में गोली मारी है। मृतक संदेश थाना क्षेत्र के नसरतपुर गांव वार्ड नंबर 5 निवासी संजय कुमार सिंह के 22 वर्षीय पुत्र अमित कुमार बताए जाते हैं। आज सुबह उनका शव मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। एसपी ने बताया कि मामले में नए कानून के तहत पहला मामला भोजपुर में भी दर्ज कर ली गई है। मृतक अमित के चचेरे भाई कुंदन ने ऑफ कैमरे पर बताया कि घर के बाहर दलान है जहां गाय बांधी जाती है, वहीं पर रोज गोलू सोता था। कल रात भी वहीं पर सोया था, तभी गोली मारी गई है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। गोलू के बारे में बताया गया कुछ दिन पहले उसके कुछ लड़कों से मारपीट हुई थी, तब देख लेने की धमकी भी दे दिया गया था। भोजपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि सोमवार की सुबह संदेश थाना क्षेत्र के नसरतपुर गांव में सूचना मिली थी कि एक युवक घर में दलान में सो रहा था, तभी उसकी हत्या कर दी गई है। 3 नए कानून BNS, BNSS और BSA के तहत जल्द कार्रवाई करते हुए एक साथ SFL की टीम घटना स्थल पर पहुंची और वहां CCTV की कैमरे की तलाश भी ली गई है। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।